हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रीवियस ईयर के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर्स डाउनलोड करने वाले हैं गूगल से। बहुत जल्द स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि लिंक बता दो किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है या फिर कहाँ पेपर मिलेंगे, पूरे एग्ज़ाम्स चाहिए हमें, और एग्ज़ाम चाहिए हमें, पैरामेडिकल के एग्ज़ाम चाहिए, बीएससी नर्सिंग के चाहिए, पीजीआई वाले चाहिए। तो सभी डाउट्स इस वीडियो के बाद तुम्हारे क्लियर होने वाले हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ गूगल पे, और गूगल पे एस लाइक तुम जैसे करते हो वैसे ही हम यहाँ पर डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलो डाउनलोड करते हैं यहाँ पर। वैसे तो स्टूडेंट्स को मैं बता चुकी हूँ, बट अभी इस वीडियो में लाइव देखने के बाद तुम्हारा ये डाउट बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या फील करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पे क्या फील करेगा, बीएससी नर्सिंग लाइक मैंने फील किया है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ हमने एज ए जनरल ये फील कर लिया। अभी हम इसको सर्च करने वाले हैं एंड टॉप वेबसाइट्स देखो। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो इससे देखते हैं कैसे पेपर्स डाउनलोड करते हैं, कैसे पेपर्स हैं। तो तुम यहाँ पे जब आओगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की .com वगैरह वेबसाइट है, जब तुम यहाँ पे आओगे तो इन्होंने लिख बहुत रखा है, बट यहाँ पे इनके पास कुछ है नहीं मटेरियल। ये ऑलमोस्ट जो भी होते हैं ये बस आर्टिकल्स लिखते हैं यहाँ पे, बिकॉज प्रीवियस ईयर के पेपर है नहीं, तो ये पेपर्स लिखते बस सैम्पल पेपर लिखते हैं, बट इनके पास होता कुछ नहीं। लाइक हम डाउनलोड करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, किसी पर भी हम क्लिक करते हैं डाउनलोड करेंगे तो कुछ नहीं आने वाला यहाँ पे, बस अदर आर्टिकल जो होता है वो यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब इस वेबसाइट से तो नहीं होगा, सेकंड वाली हम ट्राई करते हैं, सेकंड वेबसाइट से हो सकता है हो जाए। अभी सेकंड वेबसाइट से सैम्पल क्वेश्चंस पेपर हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। सेकंड वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो भी सेम ही आ रहा है, किसी पे भी तुम डाउनलोड करके देख लो। जब तुम यहाँ पे डाउनलोड के यहाँ पे जब तुम क्लिक करोगे तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे ऐसा इंटरफेरेंस खुल जाएगा, तो यहाँ पे भी कुछ ओपन नहीं होने वाला है। देन हम अगली वेबसाइट पे विजिट करने वाले हैं। फर्स्ट टू वेबसाइट्स पे विजिट कर चुके हैं एंड इस थर्ड वाली पे करने वाले हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं, ये देखो इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेपर्स हैं इनके, तो इनका डाउनलोड करने वाले हैं। यहाँ पे जब तुम आओगे तो तुम यहाँ पे क्लिक कर देना किसी पे भी, तो इनका जैसे ओपन होगा तो तुम कैसे भी ओपन कर सकते हो इसको। सो यहाँ पे जब तुम आओगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, एम्स के जो एज इट इज़ नीट के एग्ज़ाम्स है वो डाल रखे हैं, तो कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, तो ये जो पेपर्स हैं ये रियल नहीं है। ऐसे अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो तुम कहीं से भी गूगल से कर सकते हो, बट ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये जो पेपर हैं, ये रियल नहीं है, ये एम्स के डायरेक्ट हैं। एम्स के जो 2007 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ, या फिर बोलो AIPMTI एम्स का अलग से एग्ज़ाम हुआ, वो कोई भी यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया गया है। तो इन पर ट्रस्ट ना करें, और इनको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो तो बहुत टफ आता है, तो ऐसा तुम बिल्कुल मत सोचो। तुम कहीं पे भी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो तुम्हें ऐसी ही फेक यहाँ पे मिलने वाले हैं, कुछ कुछ फेक क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो आई थॉट तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि गूगल पे जो है तुम्हारे क्वेश्चंस पेपर नहीं हैं। क्यों नहीं है, जैसे मैंने बताया कि जो पेपर होगा वो तुम्हें घर पे ले जाने नहीं देंगे, वहीं से पेपर वापस ले लिया जाता है, तो पेपर किसी के पास रियल अवेलेबल नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास से हम पूछ लेते हैं कि कैसे कैसे एग्ज़ाम्स आए, कैसा क्वेश्चन पेपर आए, कुछ कुछ स्टूडेंट्स से कुछ कुछ क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं, कुछ क्वेश्चन याद रहते हैं किसी किसी को, उसके बेसिस पे बेसिक से अगर हम बताना चाहें तो, वरना पेपर रियल कहीं भी नहीं मिलता। किसी किसी का मतलब लाइक BHU का जो होता है, BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम, वो मिलता है, और बाकी के किसी के पेपर्स नहीं मिलते। सो इस थॉट में तुम बिल्कुल मत रहना कि पेपर्स मिलेंगे तुम्हें रियल। इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे, सो आई थॉट मैंने ये डाउट क्लियर किया होगा। अभी बात कर लेते हैं जो सेकंड डाउट था एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बहुत बड़ा डाउट है आजकल स्टूडेंट को कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होने वाले हैं, तो उसको भी बिल्कुल क्लियर करेंगे लाइव देखने वाले अभी वीडियो में। अभी डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म
स्टूडेंट के रोज़ मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि अप्लीकेशन फॉर्म निकल गए क्या, कब निकलेंगे अप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं बता के थक चुकी हूँ कि अप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकले हैं, कोविड की वजह से नहीं निकल रहे हैं, बट स्टूडेंट को ट्रस्ट नहीं हो रहा। तो हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और हम विज़िट करने वाले। जब तुम ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे uhsr.ac.in पे तुम विज़िट करोगे, एग्जामिनेशन वाले यहाँ पे विज़िट करोगे तो तुम देख सकते हो लाइक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। एडमिशन पे भी तुम पूरी वेबसाइट को आराम से बैठ के चेक कर सकते हो, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम तुम्हें बता देंगे। अभी सेकंड वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। जो सेकंड वेबसाइट है जहाँ पे BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होते हैं तो वहाँ पे आता है, ठीक है, नोटिफिकेशन, उसके बारे में अभी बात करेंगे। ये सेकंड वेबसाइट है जो लास्ट ईयर से एक्टिवेट थी, जो जिस पे हमें रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते थे काउंसलिंग से रिगार्डिंग एंड BSc नर्सिंग एडमिशन, पैरामेडिक से रिगार्डिंग एडमिशन रेगुलर यहाँ पे अपडेट मिलती थी कि फर्स्ट काउंसलिंग कब है, प्रोस्पेक्टस रिलीज हो गया, एप्लीकेशन रिलीज हो गया, लास्ट ये कैंडिडेट सिलेक्शन, मतलब एवरी अपडेट जो थी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में यहाँ पे अपडेट होती थी। अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो सर्विस अनअवेलेबल आ रही है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को इस वेबसाइट के बारे में नहीं पता बिकॉज ये लास्ट ईयर से ही अपडेट हुई है, स्टार्ट हुई है। तो ये भी जो वेबसाइट है ये भी इस पे भी सर्विस अनअवेलेबल आ रही है। तो मैं सभी स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगी कि ये वीडियो तुम ज़रूर देखना, बिकॉज स्टूडेंट को पता नहीं होता कि वेबसाइट कौन सी है और वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। थोड़ा सा ये डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि अभी अप्लीकेशन फॉर्म नहीं रिलीज़ हुए हैं, जैसे ही रिलीज़ होंगे हम तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर देंगे, हम तुम्हें बिल्कुल बता देंगे। अभी कुछ और डाउट्स हैं जिनको क्लियर करना है। आई थॉट तुम्हारी कुछ डाउट्स मैं क्लियर कर पाई होंगी। अगर अब भी कोई डाउट है तुम्हें तो तुम बता देना, ठीक है, मैं वो डाउट तुम्हारी क्लियर कर दूंगी। और एक और डाउट था स्टूडेंट्स को कि हमें बेस्ट बुक कौन सी है एंट्रेंस के लिए, बेस्ट बुक कौन सी है। वैसे तो मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, अगर तुम वो वीडियो देखना चाहते हो तो जाके देख लेना चैनल से, बट मैं यहाँ पे बता दूँ कि बेस्ट की अगर हम बात करें तो बेस्ट हमेशा NCERT होती है, चाहे तुम नीट के लिए पूछ लो या फिर तुम BSc नर्सिंग के लिए पूछ लो। और कुछ स्पेसिफिक बुक भी मैंने बताई उस वीडियो में जो तुम चूज कर सकते हो BSc नर्सिंग के लिए स्पेशली। तो आई थॉट तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स अगर रह गए हो तो आई थॉट रेनू का डाउट क्लियर हो गया होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं निकले हैं। देन लक्ष्मी, आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक, इन पे मैं अलग वीडियो बना चुकी हूँ वैसे तो, बट तुम देख लेना। एंड सेकंड लाइक बेस्ट जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो अग्रोवा में है, ठीक है, MAMC अग्रोवा। एंड सजेशन, आई थॉट बुक का भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा एंड ऐप और वेबसाइट का भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है, वेबसाइट के बारे में आई थॉट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का भी आई थॉट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। स्कॉलरशिप फॉर्म, कौन सी स्कॉलरशिप फॉर्म की बात कर रहे हो, आई एम नॉट गेटिंग इट, अच्छे से बताओ किसके बारे में बात करना चाह रहे हो। कोमल का कमेंट आया था यहाँ पे कि पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म का, आई थॉट कोमल को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट इज मैम, ये 2020 में 72% BSc नर्सिंग करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कर लो BSc नर्सिंग, इंटरेस्ट है तो कर लो यार, क्यों ये वेस्ट कर रहे हो, अच्छा एंट्रेंस एग्जाम दो अपना। देन प्रीतम मैडम थैंक्स, एंड हरियाणा में पैरामेडिकल के फॉर्म कब निकलेंगे, आई थॉट क्लियर हो गया होगा, तो अभी निकलने ही वाले हैं। थैंक्स अनिशा, हम ऐसे ही वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। एंड देन प्रीति एंड सुमित, आई थॉट तुम्हारे सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बट नॉर्मल ही होते हैं, ऐसे नहीं कि तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है। एंड आई थॉट तुम्हारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो तुम बता देना, कोई कमेंट्स अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया, कोई डाउट्स हो, अगर अभी भी कोई पेपर से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो बता देना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर।